नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज है गुरु पूर्णिमा, जाने इसका महत्व। बिहार पुलिस चालक परीक्षा के पासिंग मार्क्स और पाठ्यक्रम में हुआ बदलाव। एम्बुलेंस से शराब तस्करी का मामला आया सामने। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर शिक्षा विभाग की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा। अपने फिटनेस जर्नी की हार्दिक पांड्या ने की चर्चा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है गुरु पूर्णिमा, जाने इसका महत्व। आज रविवार को आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि है, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्त सुबह उठकर स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाते हैं और अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी को चारों वेद का ज्ञान था, इसलिए उनके जन्म दिवस के दिन गुरु पूर्णिमा गुरु की पूजा की परंपरा चली आ रही है। बिहार पुलिस चालक परीक्षा के पासिंग मार्क्स और पाठ्यक्रम में हुआ बदलाव। बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली में गृह विभाग द्वारा संशोधन किया गया है। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को बिहार पुलिस में चालक पद पर बहाली के लिए 30 की जगह कम से कम 40 अंक लाने होंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 36.5% अंक लाने होंगे और जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें कम से कम 34% अंक लाना जरूरी है। इसके अलावा एससी एसटी और महिला को कम से कम 32% अंक लाने जरूरी होंगे। इसके अलावा लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी अभ्यर्थियों को थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बदलाव के तहत सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से करीब 60% के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं 40 प्रश्न में 20% मोटर वाहन अधिनियम और यातायात चिन्हों व संकेतों से पूछे जाएंगे। 20% प्रश्न विभिन्न गाड़ियों के कल पुर्जे, लुब्रिकेटिंग और रखरखाव आदि के सामान्य ज्ञान और वाहनों में आने वाले इंजीनियरिंग व तकनीकी त्रुटियों से होंगे। अब रूट वाइज होगा ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन। चालकों को मिलेगा यूनिक नंबर। 20 अगस्त के बाद से पटना शहरी क्षेत्रों के ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन रूट वाइज किया जाएगा। इस परिचालन के तहत सभी ऑटो और ई रिक्शा की हर रूट पर संख्या तय की जाएगी। सभी ऑटो और ई रिक्शा वालों को एक यूनिक नंबर मिलेगा ताकि ये अपना रूट न बदले। इस व्यवस्था से लोगों को जाम से निजात मिलेगा। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी है कि इस कार्य योजना की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। योजना को लागू करने से पहले लोगों से इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं, जो परिवहन विभाग की वेबसाइट पर 30 दिन तक उपलब्ध रहेंगे। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 24 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण के दूसरे दिन शनिवार को पूरे प्रदेश से 24 फर्जी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्रों से गिरफ्तार किया गया है। औरंगाबाद से सबसे अधिक 6, गया से 5, पूर्णिया से 3, पटना, दरभंगा, बेगूसराय और जहानाबाद से क्रमशः 2-2 अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। इसके अलावा लखीसराय और कटिहार से 1-1 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। 2 दिनों के भीतर कुल 32 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा जा चुका है। एम्बुलेंस से शराब तस्करी का मामला आया सामने। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी अवैध शराब की कारोबारी धड़ल्ले से चालू है। आए दिन तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। अब इसी कड़ी में एक और मामला बिहार के कटिहार से आया है। दरअसल यहां एम्बुलेंस के सहारे शराब माफिया तस्करी के काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को इसकी जानकारी गुप्त सूचना के आधार पर मिली, जिसके बाद देर रात पुलिस ने कार्रवाई कर शराब को बरामद किया। इस दौरान एम्बुलेंस से करीब 48 कार्टून विदेशी शराब मिली, जो कि करीब 400 लीटर थी। हालांकि इस दौरान ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। इस मामले की पुष्टि सदर डीएसपी अभिजीत सिंह ने की है। शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ ने लिया बड़ा एक्शन, 2 बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें ठीक किया जाता है और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है। वहीं अब नया मामला पटना से आया है, जहां 2 बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है। कार्य में लापरवाही और शिथिलता बरतने के आरोप में शिक्षा विभाग द्वारा पटना के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना अरुण कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा पर्यवेक्षण संबंधी दायित्वों की चूक के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब गंगा किनारे रहने वाले लोगों को मिलेगा आर्सेनिक मुक्त पानी। अक्सर गंगा किनारे रहने वाले लोगों को आर्सेनिक पानी पीना पड़ता है, लेकिन अब गंगा किनारे रहने वाले लोगों को भी आर्सेनिक मुक्त पानी मिलेगा।
यह किलकारी बाल भवन के चार बाल वैज्ञानिकों की मदद से संभव हो पाया है। अभिजीत, अर्पित, अक्षत और सांभवी ने मिलकर नल के लिए एक ऐसा फिल्टर तैयार किया है जो आर्सेनिक को पानी से अलग कर देगा और लोगों को आर्सेनिक मुक्त पानी मिलेगा। इसे पटना, भोजपुर, बक्सर के कई गांवों के हैंडपंप और नलों में लगाया जाएगा। अब इस इलाके के लोगों को भी आर्सेनिक मुक्त पानी मिल रहा है। बाल वैज्ञानिक अर्पित ने बताया कि फिल्टर बनाने में 5 साल की मेहनत लगी है। अब 2 करोड़ की आबादी को आर्सेनिक मुक्त पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड सहित 2 सॉल्वर गिरफ्तार। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक मास्टरमाइंड है। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार 2 अन्य आरोपी को भरतपुर मेडिकल कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है। इनकी पहचान मंगलमय बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार के रूप में हुई है। इन दोनों छात्रों पर सॉल्वर की भूमिका निभाने का आरोप है। तो वही न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक टेक्निकल सर्विलांस में परीक्षा के दिन आरोपियों के हजारीबाग में मौजूद होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही तीसरे शख्स की पहचान शशि कुमार पासवान के रूप में हुई है, जिसे कथित तौर पर मास्टरमाइंड आरोपी में से एक माना जा रहा है। पटना गया डोभी फोरलेन निर्माण में जहानाबाद आरओबी को लेकर समस्या हुई खत्म। शनिवार को पटना हाईकोर्ट की एक टीम ने पटना गया डोभी फोरलेन सड़क निर्माण की अद्यतन स्थिति का जायजा लेने पहुंची। जहानाबाद और गया के समीप काष्ठा में सड़क के अलाइनमेंट के तहत रेल ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा। हालांकि लंबे समय से यह मामला अटका हुआ है, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट की टीम को रेलवे के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे से ब्लॉक नहीं मिल पाने की वजह से आरओबी का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आरओबी निर्माण के लिए जहानाबाद में रेलवे से ब्लॉक मिल गया है। अब यहाँ आरओबी का निर्माण कार्य शुरू होगा। काष्ठा में भी जल्द ही ब्लॉक मिलने की उम्मीद है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर शिक्षा विभाग की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा। शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पद स्थापना यानी कि ट्रांसफर और पोस्टिंग नीति पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। बिहार में शिक्षकों की पदस्थापना के लिए कमेटी एक समेकित नीति बनाने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की शनिवार को बैठक हुई, जिसमें कई विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सुविधाजनक पदस्थापन, सेवारत पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बिहार के कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीश कांत को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किया सम्मान। बिहार के आरा के निवासी कायरोपैथी के डॉक्टर रजनीश कांत को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें लंदन में सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने डॉक्टर रजनीश कांत को लंदन बुलाकर उन्हें सम्मानित किया और साथ ही उनकी उपलब्धियों कीर्तियों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दिया है। बता दें कि यह फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टर मानवीय शारीरिक संरचना के उपचार का ऐसा रूप है जिसमें न तो किसी प्रकार का दवा का प्रयोग किया जाता है और न ही किसी विशेष प्रकार की सर्जरी होती है। डॉक्टर रजनीश कांत को अब तक देश विदेश की कई संस्थाओं द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। इससे पहले एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। जेडीयू की 20 सदस्यीय नई टीम की लिस्ट जारी, ये नाम है शामिल। जेडीयू द्वारा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। जेडीयू की इस टीम की लिस्ट में 20 सदस्य शामिल हैं, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। वहीं वाइस प्रेसिडेंट वशिष्ठ नारायण सिंह है। इसके अलावा केसी त्यागी पॉलिटिकल एडवाइजर और स्पोक्स पर्सन है, जबकि डॉक्टर अलोक कुमार सुमन ट्रेजरर और राजीव रंजन जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन है। 20 सदस्यीय इस टीम में 8 जनरल सेक्रेटरी और 6 सेक्रेटरी का नाम भी शामिल है। जहानाबाद पहुंचे मांझी ने कहा, देश के 25 करोड़ लोगों को लघु रोजगार से जोड़ने की है योजना। बीते दिन जीतन राम मांझी जहानाबाद आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह सादा जीवन जीने वाले लोगों में से एक हैं और उनका गांव और यहां के लोगों से गहरा नाता है, जिसे वह कतई नहीं छोड़ सकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को वह अपने इलाके और गांव में आते रहेंगे, भले ही वो काम के दिनों में दिल्ली में रहें। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने देश के 25 करोड़ लोगों को लघु रोजगार से जोड़ने की योजना है और वह इस दिशा में प्रयासरत हैं।
बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के घर अचानक पहुंचे सीएम नीतीश। आज सीएम नीतीश अचानक से बिहार मंडल के सदस्य और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी के घर पहुंचे। इस दौरान अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश का स्वागत किया। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ मनीष वर्मा भी थे। आज आषाढ़ पूर्णिमा के गुरु पूर्णिमा को लेकर अशोक चौधरी के घर एक खास धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी था, जिसमें नीतीश कुमार और मनीष वर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर अशोक चौधरी भी खास भगवा रंग के धार्मिक परिधान में दिखाई दिए। सभी ने धार्मिक कार्यक्रम के साथ समय बिताया। फिर नीतीश कुमार और मनीष वर्मा लौट गए। अपने फिटनेस जर्नी की हार्दिक पांड्या ने की चर्चा। बीते कुछ दिनों से हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच तलाक की काफी चर्चा थी, जिससे अब हार्दिक पांड्या ने भी कंफर्म कर दिया है। मुंबई इंडियंस में कप्तानी मिलने के बाद हार्दिक पांड्या को काफी ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन T20 विश्व कप में उन्होंने शानदार वापसी की। अब इन सभी चुनौतियों के बाद पहली बार हार्दिक पब्लिक के सामने आए और उन्होंने खुलकर बात भी किया। अपने फिटनेस को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आप और मैं 20-20 प्रयास कर रहे हैं तो दोनों के बीच का अंतर नहीं रहता, लेकिन मैं 25 प्रयास करता हूं और खुद को चुनौती देता हूं, तो अगली बार मैं 25 प्रयास करूंगा और फिर मैं 30 प्रयास करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी दिमाग को बिना विचारों में रखना जरूरी है। जब मेरा ट्रेनर मुझे 10 पुशअप करने को कहता है तो मैं हमेशा 15 पुशअप करता हूं। इससे मेरा स्टैमिना बढ़ा और मुझे लगता है कि हर कोई जो फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहता है उसे इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विनोद महात्मा, राजकिशोर महतो, छोटू रजा, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, रवि कुमार राम, वेद प्रकाश सिंह, मुन्ना प्रसाद, कुश कुमार यादव, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद असगर कमाल, गोनर शर्मा, अनवर करीम खान, दीपक कुमार, अनिल कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके तरफ पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।